तो गाइस यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के टॉप 5 सीक्रेट सेटिंग या फिर सीक्रेट फीचर के बारे में। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करते हो, आप भी इंस्टाग्राम यूजर हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 5 ऐसे कमाल के सीक्रेट फीचर के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहले नंबर पर फीचर आता है, उसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को चाहते हो कि वो इंस्टाग्राम पर ना दिखे, तो आपको यहाँ पर उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो के पहले ट्रिक में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फीचर बताऊंगा इंस्टाग्राम का, जिसकी मदद से आप अपने पोस्ट को हाइड कर सकते हो। आपको डिलीट करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप अपने पोस्ट को हाइड कर सकते हो। उसके बाद जब आप फिर चाहोगे तो आप फिर से अनहाइड कर सकते हो। तो जस्ट ऐसा करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है नीचे की तरफ। उसके बाद सिंपल आपको उस पोस्ट पर क्लिक करना है जिस पोस्ट को आप हाइड करना चाहते हो। जस्ट आपको उस पोस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, सिंपल आपको 3 डॉट पर जाना है। तो यहाँ पर आपको आर्काइव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन होगा आर्काइव का। तो अब आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आर्काइव पर क्लिक करते हो, आपका जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम से हाइड हो जाएगा। तो इसे फिर से अनहाइड करने के लिए सिंपल आपको अपने अकाउंट के नीचे 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्काइव का सबसे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और स्टोरी सिलेक्ट रहेगा, उसे आपको पोस्ट में सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो पोस्ट आपके सामने आ जाएगा जो पोस्ट आपने आर्काइव किया है। तो जस्ट आपको उस पोस्ट पर क्लिक कर फिर से शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और आपका पोस्ट फिर से आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिखने लगेगा। तो गाइस अब बात कर रहे हैं दूसरे फीचर की। तो दूसरा फीचर एक ऐसा फीचर है, मान लीजिए इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा अकाउंट है जो कि आपका बहुत ही ज्यादा नजदीकी अकाउंट है। जैसा कि मान लीजिए कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसका आप कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो या फिर कोई भी इंस्टाग्राम पर उसके एक्टिविटी को आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर जस्ट आपको उस अकाउंट को ओपन करना है जिस अकाउंट को आप ऐसा करना चाहते हो। तो जैसे ही वो अकाउंट ओपन हो जाए, ऊपर आपको नोटिफिकेशन का एक आइकन देखने को मिलेगा। तो जस्ट आपको इस नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पोस्ट, IGTV, स्टोरी, इस तरह के कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जिस चीज का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। उसके बाद ये प्रोफाइल वाला जब भी कोई पोस्ट या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करेगा, अगर आप यहाँ से नोटिफिकेशन उस चीज का ऑन किए रहोगे, तो तुरंत से आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुरंत से अगर मान लीजिए कोई उसने पोस्ट किया, आपको नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड का या फिर किसी का के भी पोस्ट या फिर किसी भी एक्टिविटी का नोटिफिकेशन पा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा कमाल का फीचर है। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आकर उल्टा सीधे कॉमेंट करते हैं, तो और भी कई सारी एक्टिविटी वो आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आकर करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ऐसे अकाउंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जिनका आप चाहते हो कि कॉमेंट आपके पोस्ट पर ना आए। जस्ट आपको उस अकाउंट को ओपन करना है जिस अकाउंट को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो जैसे ही वो अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाए, ऊपर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दूसरे या तीसरे नंबर पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अकाउंट आपके प्रोफाइल से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो अकाउंट है वो आपके किसी भी पोस्ट पर अगर कमेंट करेगा, तो उस कमेंट को सिर्फ आप देख पाओगे और कोई भी इंस्टाग्राम पर उस कमेंट को नहीं देख पाएगा। उसके बाद आप चाहो तो उस कमेंट को अप्रूव भी कर सकते हो, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस अकाउंट को फिर से अनरिस्ट्रिक्ट करने के लिए सिंपल आपको अपने सेटिंग में जाना है इंस्टाग्राम के। उसके बाद प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आपको रिस्ट्रिक्ट अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर जितने सारे अकाउंट आपने रिस्ट्रिक्ट किए थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट आपको अनरिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना है और वो अकाउंट अनरिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो गाइस आप बात करते हैं चौथे फीचर की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर आप जो भी स्टोरी डालते हो, वो एक दिन के बाद आपके अकाउंट से वो स्टोरी हट जाती है। तो यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पर ऐसा भी फीचर है जिसकी मदद से आप अपने पुराने स्टोरी को फिर से इंस्टाग्राम पर लगा सकते हो या फिर आप अपने पुराने स्टोरी को फिर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा करने के लिए जस्ट आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, फिर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्काइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आपको आर्काइव पर क्लिक करना है और स्टोरी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे आपके स्टोरी मिल जाएंगे जो कि आपने पहले पहले कभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस स्टोरी को चाहो फिर से लगाना, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने पुराने इंस्टाग्राम स्टोरी को फिर से अपने स्टोरी पर लगा सकते हो। और 3 डॉट पर अगर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आप अपने किसी भी पुराने स्टोरी को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये फीचर काफी कमाल का है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो गाइस आप बात करते हैं इंस्टाग्राम के 5वें फीचर की और लास्ट फीचर की। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हो, तो कई सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जिसे आप चाहते हो कि वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो भी आप स्टोरी लगाओ
उसको वो सीन ना कर पाए, यानी कि उसे आपका इंस्टाग्राम स्टोरी ना दिखे। तो ऐसा आप कर सकते हो, सिंपल आपको उस अकाउंट को ओपन करना है जिस अकाउंट को आप चाहते हो कि वो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी को ना देख पाए। सिंपल आपको उस अकाउंट पर जाना है, उसके बाद सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको हाइड योर स्टोरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर हाइड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आप जो भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाओगे वो स्टोरी इस तरह के अकाउंट को नहीं दिखेगा जिन अकाउंट को आप हाइड किए रहोगे। तो ये भी फीचर काफी कमाल का है इंस्टाग्राम का, ये भी आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। बाद अगर आप किसी भी पर्सन को अनहाइड करना चाहते हो जिसको आपने इस तरह से हाइड किया था, तो जस्ट आपको अपने अकाउंट के सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्टोरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन, जितने सारे पर्सन को आपने हाइड किया होगा वो सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको वहाँ पर क्लिक करना है। देन वहाँ पर टिक रहेगा, उस टिक को आपको हटा देना है। इस तरह से आप किसी को भी अनहाइड भी कर सकते हो। तो यार गाइस, यही थी इंस्टाग्राम के पांच ऐसे सीक्रेट सेटिंग या फिर फीचर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचों फीचर आपको पसंद आए होंगे। इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा फीचर लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।